दोस्तों आज आपको एक देश के बारे में बताऊंगा जिसे द्वीपों का देश कहा जाता है। इसलिए इस देश में 700 से ज़्यादा द्वीप मौजूद है। ये वो देश है जहाँ पर आदमी से ज़्यादा भेड़ रहती है। इस देश को कीवी पक्षी का भी देश कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड देश के बारे में, जो बेहद खूबसूरत देश में जाना जाता है। देश की कुल आबादी है करीब 50 लाख से कुछ ज़्यादा, जो हमारे देश की सिर्फ कलकत्ता शहर की पॉपुलेशन इससे दोगुना है। दोस्तों न्यूजीलैंड मेन दोनों द्वीपों से बना हुआ देश है, जिसमें एक नॉर्थ आइलैंड और दूसरा साउथ आइलैंड है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड से छोटा है, फिर भी देश की 76% आबादी साउथ आइलैंड में रहती है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जो लड़कियों को 1893 में वोटिंग राइट दिया था। इसलिए इस देश की महिला दुनिया में सबसे खुशहाली ओमेन कहा जाता है। अगर भूगोल की बात करें तो पूरी न्यूजीलैंड में समुद्र से घेरा हुआ है, इसलिए देश में कुल मिलाकर 15,000 किमी कोस्ट लाइन मौजूद है, जिसमें बहुत सारे बीचेस आपको दिख जाएगी। आपको बता दी कि खूबसूरत बीचेस के कारण न्यूजीलैंड में हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। इसके अलावा एक चौंकाने वाले बात है कि इस देश में एक भी सांप मौजूद नहीं है। ये वो देश है जहाँ पर बर्फीली पहाड़ से लेकर खूबसूरत झील, फॉरेस्ट से लेकर बहुत सारे नदियाँ आपको दिख जाएगी। अगर पक्षी की बात करें तो कीवी इस देश की राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। इसके अलावा इस देश में बहुत सारे पेंगुइन की प्रजाति आपको दिख जाएगी। वैसे तो ये पेंगुइन उड़ नहीं सकता, लेकिन पेंगुइन खूबसूरत पक्षियों में एक है। कम पॉपुलेशन होने के कारण देश में बहुत सारे खूबसूरत सिटी मौजूद है, इसलिए इस सिटी में आपको रोड से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ टॉप क्लास दिखेगी। इसके अलावा इस देश में क्राइम से लेकर करप्शन ना के बराबर है। अगर कोई यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो एक दिन में गवर्नमेंट की सारे प्रोसेस हो जाती है। दोस्तों अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वूल इंडस्ट्री में न्यूजीलैंड सेकंड स्थान पर आता है। इसलिए इस देश में आदमी से ज़्यादा भेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा मिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर खेल की बात करें तो न्यूजीलैंड में क्रिकेट के साथ साथ रग्बी टेनिस फेमस है, इसलिए तो रग्बी देश की नेशनल स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। सबसे कम आबादी वाला देश में सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाला देश में न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।